हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंसाइन डॉट इन पे। आज हम आपके लिए काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं। एक स्मॉल प्लॉट साइज़ पे 15x50 में G+1 हाउस है, सेमी फर्निश बना हुआ है, रेडी टू मूव अवेलेबल है। वीडियो में हम पूरा टूर करेंगे, और अगर आप कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं ऑल ओवर इंदौर में, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी हम विजिट करने वाले हैं, सेमी फर्निश हाउस है, नॉर्थ फेसिंग हाउस रहने वाले हैं। आपका खूबसूरत एलिवेशन आप देखिए, दोनों हाउसेस के एलिवेशन हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने टेक्सचर्ड वॉल का यूज़ किया हुआ है और टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है फ्रंट में, जो कि वेदर से कभी भी कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। टेक्सचर्ड वॉल को आप कलर चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। हमने भी काफ़ी अच्छा कलर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ इंजीनियरिंग के थ्रू हुआ है। पहले डिज़ाइन हुआ है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन हुआ है। CNC कटवर्क आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार आ रहा है, बहुत ही शानदार फोर वे, बहुत ही शानदार हमने लाइट्स यूज़ की है, फोर वे लाइट्स। आगे हम बढ़ते हैं, दीज आर लैम्प जो कि ग्रेनाइट के हैं। फ्रंट में आपको जो भी काम दिख रहा है सभी टाइलिंग का ही है। नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ब्रिक पैटर्न में टाइलिंग यूज़ की है, और यहाँ पर टेक्सचर्ड वॉल। दीज आर मेन गेट्स, दोनों साइड ओपन रहेंगे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में आयरन के साथ और वाटरप्रूफ पेंट किया हुआ है। दिस इज़ द पार्किंग फॉर टू व्हीलर, 7x14 की पार्किंग है, और ये फ्रंट विंडो हमारे ड्राइंग एरिया के लिए है। इसमें आप फोटो फ्रेम देखिए, ग्रेनाइट का हमने यूज़ किया है। ऊपर आपको PVC की शीट के साथ लाइटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो कि एलिवेशन में लुक काफ़ी अच्छा देता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा वाटर टैंक है, 6000 लीटर का वाटर टैंक है, और उसी के साथ टैब्स भी दिए हैं हमने। अगर आपको टू व्हीलर वॉश करना है या फिर बाहर कुछ काम है, अपनी कार वॉश करना है, तो यहीं से आप पाइप लगाकर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की हम बात करते हैं, तो डोबरे पर बना हुआ है। कुछ स्टेप्स अप के बाद हमारा आता है मेन डोर। अब आप इसमें देखिए, फ्रेमिंग जो की है वो पूरी ऊपर तक की है, कंप्लीट इसकी फ्रेमिंग है, और 3.5x9 फिट की इसकी हाइट है। दिस इज़ द मेन डोर, इस पर PU पॉलिश किया हुआ है, और लॉक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गोदरेज के लॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द ड्राइंग एरिया, इसका साइज़ है 14x12 का, काफ़ी अच्छा साइज़ है। दिस कम्स विद दिस ब्यूटीफुल वॉलपेपर। आपने हमारे हर कंस्ट्रक्शन में देखा है कि हम वॉलपेपर एक वॉल को हाईलाइट करके देते हैं, यहाँ पे हम प्रीमियम वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग एरिया में, काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ। लाइटिंग्स अरेंजमेंट पूरा प्रॉपर किया हुआ है ड्राइंग एरिया में। ऊपर आप देखिए, फॉल सीलिंग में काफ़ी शानदार कोव लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। इसी के साथ सीलिंग लाइट आप देखिए, हर पूरे ड्राइंग एरिया में हर जगह लाइट इवन रहती है। ड्राइंग एरिया के फ्रंट में वी हैव दिस बिग विंडो, दीज आर 12mm बार्स, और ये हमारी 3-track विंडो है। ये एक वुडन पार्टिशनिंग है, वॉल की जगह पर हम वुडन पार्टिशनिंग ले रहे हैं। इसमें आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। दिस इज़ द वुडन और ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर आप देखिए कि काफ़ी अच्छा लाइटिंग अरेंजमेंट आपको दिखता है। ये पूरा ड्राइंग एरिया का आप एक बार लुक लीजिए, पूरा कंप्लीट ड्राइंग एरिया है। इसमें आपको सिर्फ फर्निशिंग करना है और साइड टेबल्स और सेंटर टेबल्स लगाना है। दिस इज़ कंप्लीट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बड़ा सा TV पैनल आता है विद कंप्लीट स्टोरेज। इसमें सारी वायरिंग्स की है, जैसे कि अगर आप TV में सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर आप लेते हैं जो कि TV के आसपास ज़रूरत पड़ती है। दीज आर ऑल डन, पहले से ही इनबिल्ट करा हुआ है, सब कुछ कंसील्ड है, आपको कुछ भी ऊपर से वायर को लेकर नहीं आना है घर में। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको TV पैनल दिया हुआ है। अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं, तो सेमी फर्निश कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें आपको दिख रही है
सब कुछ इंक्लूड रहती है। आइए अब हम आगे मूव करते हैं। ये 10x14.5 का डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा सफिशिएंट है। ऊपर आप देखिए काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग के साथ दिस इज़ द स्पेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस पूरे दिए हुए हैं। नीचे अगर आप इन्वर्टर प्लेस करना चाहें तो स्टेयर्स के नीचे वहाँ पर भी हमने स्विचेस दिए हुए हैं। स्विचेस की बात करें तो सभी वेस्टर्न के स्विचेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आपको एक स्विच दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये सॉफ्ट टच में स्विचेस हम यूज़ कर रहे हैं। एज वी मूव फर्दर, काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। इस 750 स्क्वायर फीट के हाउस में आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। आप वॉशरूम को एक बार देखिए। वॉशरूम में आपको हमने प्लम्बर की फिटिंग्स दी है, जो कि 10 साल की वारंटी के साथ रहेगी। टाइलिंग्स पूरी सीलिंग हाइट तक टाइलिंग्स है। ऊपर पीवीसी की फॉल सीलिंग है विथ एग्जॉस्ट फैन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम वुडन के डोर्स यूज़ कर रहे हैं। पीछे पीवीसी की शीट यूज़ की है, जिससे कि वेट एरिया में ये चीज़ें ख़राब ना हो। चौखट पे ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं। दिस वाज आर कॉमन वॉशरूम। थोड़ा सा आगे आने पर हमारा किचन आता है। दिस इज़ द साइज ऑफ 8x12। 8x12 का कंप्लीट किचन है। दीज आर एसएस ट्रॉलीज दैट वी आर यूजिंग। और टॉप पर ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, लाइफ टाइम की पूरी चलेगा आपका। दीज ऑल आर हाइड्रोलिक्स। अब देखेंगे पूरा कंप्लीट है। डिस्प्ले में जो हमने काम किया हुआ है वो ग्लॉसी एक शीट हमने लगाई है, चमकदार शीट लगाई है माइका की, और उसी के साथ रोज गोल्ड वी आर यूजिंग। बहुत ही शानदार एसएस पे रोज़ गोल्ड कलर हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही शानदार लुक देता है। और फ्रंट में हम जो शटर्स यूज़ कर रहे हैं, कैबिनेट्स, वो आपके ग्लास के हैं, तो ग्लास क्रॉकरीज यहाँ पर जब प्लेस होगी तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ये हमारे सभी जगह पे, एज आई ऑलरेडी मैंशन के हम प्लम्बर की फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप डिशेस वॉश कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अर वॉश एरिया, काफ़ी अच्छा वॉश एरिया है। इसमें भी आपको टैप्स प्रॉपर दिए हुए हैं, लाइट कनेक्शंस दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू प्लेस वॉशिंग मशीन तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16 एम्पियर का लाइट कनेक्शन। और ऊपर आप देखिए दिस इज़ द डक्ट एरिया। एक बहुत बड़ी सी विंडो आती है, ऊपर जब हम चलेंगे तो देखेंगे। और एक विंडो ये भी है जो हमारे रूम में जाती हैं। सो वी आर मूविंग फर्दर। और यहाँ पर एक जो विंडो है वो ग्लास का हमने लिया हुआ है, जिससे कि आप विटनेस कर सकते हैं बाहर का। और अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है तो इनको आप क्लोज कर सकते हैं। इफ़ वी मूव हीयर, तो अब एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हमने जो यहाँ पर भी यूज़ किया ये भी ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पे हमने यहाँ से इसको गोल कर दिया है, एजेस को गोल कर दिया है। और ये लाइफ टाइम चौखट होती है ग्रेनाइट की। वेट एरियाज में भी यूज़ किया जा सकता है और ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। शाइनिंग काफ़ी अच्छी दे रही है और चौखट पूरी काफ़ी अच्छी लग रही है और लॉन्ग लास्टिंग है। 10x12 का ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम है।
काफ़ी अच्छी साइज़ में आता है विद दिस थ्री ट्रैक विंडो, UPVC स्लाइडिंग विंडो है ये मॉस्किटो जाली के साथ। और ये हमारा एक सुंदर सा वॉलपेपर है आपके लिए। ऊपर लाइटिंग्स पूरी कंप्लीट है, सीलिंग लाइट अगर हम देखें, ये देखिए वार्म लुक आ गया है पूरा इस घर में। फॉल सीलिंग पे पूरा काम किया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग आप लाइट्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी जब हम एंटर हुए थे तो पूरी वाइट लाइट थी, अब वार्म लाइट हो गई है, तो मूड के अकॉर्डिंग अगर रात में है तो वार्म लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, तो मूड के अकॉर्डिंग आप उसको लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आपका 1 BHK हाउस है विथ 2-व्हीलर पार्किंग। वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर, बिफोर दैट हम यहाँ की स्टेयरकेस देखेंगे। दिस इज द स्टेयरकेस जिसपे फ्लोर टाइल और ग्रेनाइट आपको मिलती है। स्टेयरकेस 3 फिट की हमने ली है जो कि आइडियली स्टैंडर्ड साइज है। आठ बाय दस का लॉबी एरिया है, ब्रह्म स्थान है इस घर का। यहाँ पर आप मंदिर प्लेस कीजिए, कोई भी ऊपर आएगा सबसे पहले भगवान के दर्शन होंगे। वी आर यूजिंग कस्टमाइज 3D वॉलपेपर हियर ऑल्सो। काफ़ी अच्छा डार्क वॉलपेपर आता है लाइट कलर की वॉल के कॉम्बिनेशन में। एंड ऑन सीलिंग वी आर यूजिंग वाइट लाइट्स एंड वार्म लाइट्स, इसको आप मूड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी सारी लाइट्स चेंज हो जाती है। आप दोनों को मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ वाइट लाइट और सिर्फ वार्म लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका सिटिंग एरिया का रहेगा तो काफ़ी अच्छा, आप मूड के अकॉर्डिंग लाइट्स को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों साइड बेडरूम आते हैं। दोनों साइड जो बेडरूम आ रहे हैं उनका साइज़ लगभग इक्वलेंट है, तो आइए हम फर्स्टली इस बेडरूम में चलते हैं। लगभग 14.5x12 का ये बेडरूम है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन्स हमने सभी जगह पे साइड टेबल्स के लिए दिए हैं, बीच में आपका बेड आएगा। ये वॉलपेपर अलग कलर में इसको हाईलाइट किया है। ऊपर फॉल सीलिंग का पूरा काम आपको कोव लाइट्स के साथ मिलता है। दिस बेडरूम कम्स विथ प्राइवेट बालकनी। इसमें भी हम 3-ट्रैक विंडो यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर आप मॉस्किटो वाला रन करते हैं तो पूरे घर में वेंटिलेशन रहने वाला है। दिस इज़ योर प्राइवेट बालकनी। 6x7 की साइज़ है। यहाँ पर आपको टैप्स दिए हुए हैं और वाटर आउटलेट भी दिया हुआ है। दिस इज़ द रेलिंग जो कि हमारे फ्रंट में आती है। वी आर यूजिंग ग्लास एंड एसेस ऑन द टॉप, एंड ऊपर पूरा PVC की शीट यूज़ की है जो कि वेदर में कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ आर अटैच्ड वॉशरूम। वी आर यूजिंग स्किड फ्री टाइलिंग हियर, और सभी वॉशरूम में स्किड फ्री टाइलिंग है। 8 फिट तक की टाइलिंग ली गई है सभी जगह पे। वेट एरिया कहीं पर भी आप जाते हैं तो नीचे टाइलिंग का काम आपको मिलेगा। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा आता है वॉशरूम के अंदर। दिस वेट एरिया। अब हम आगे चलते हैं। अगेन 12.5x14 का साइज में बेडरूम है। इसमें आप विंडो देखिए, यहाँ पर विंडो सिटिंग भी आपको दिया हुआ है ग्रेनाइट का। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ काम हो आपका कुछ काम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपका बेड ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ये विंडो सिटिंग आएगी। एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया।
5x7 का ड्रेसिंग एरिया है, अच्छी साइज है और दिस इज द अटैच वॉशरूम। इसका आप एक बार लुक देखिए, दिस इज द सेम वॉशरूम जो कि सभी रूम्स में आता है। इसमें भी सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हम वेंटिलेशन देखें, फिटिंग्स देखें, वॉश बेसिन देखें, प्लानिंग देखें, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग हियर। और साइज भी इसका 4x6 का, इसका भी साइज है काफ़ी अच्छा साइज है। और जहाँ पर भी कुछ लोग ड्रेसिंग एरिया में डोर्स नहीं देते हैं, बट वी आर गिविंग डोर्स विद प्रॉपर लॉक्स। और यहाँ पर भी आप देखिए कि जहाँ पर ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पर भी वी आर यूजिंग ग्रेनाइट की चौखट। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि सभी जगह पे हम ग्रेनाइट की चौखट दे रहे हैं। इस पूरे घर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जो आपको जिसका मेंटेनेंस करना पड़े या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। अगर वहाँ पे विंडो सेटिंग दी है तो वहाँ पर भी ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, चौखट में ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर रेलिंग की बात करें तो हमने आयरन की रेलिंग ली है विद पीयू कोटेड, तो वुडन का फील देती है और है एक्चुअल में आयरन की, बट लॉन्ग लास्टिंग है, कभी भी ख़राब नहीं होने वाली। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हम स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं दैट्स कमिंग विद जिगजैग शेप, तो इसको काफ़ी शानदार लुक देती है जब ये अंडर स्टेयर्स होती है। अगर इसको प्लेन छोड़ दिया जाता तो इतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता। सो इंटीरियर में हम काफ़ी शानदार इस एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, कमिंग विद ब्यूटीफुल वॉलपेपर एंड डेकोरेटिव लैम्प। वी आर मूविंग टू द टेरेस। दिस इज़ द बैक टेरेस। आप ऊपर दो रूम और कंस् ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें G+2 का नक्शा पास करके आपको दिया जा रहा है। ऊपर हमने पूरा वाटरप्रूफिंग की हुई है, फाउंडेशन डोबरे पर किया हुआ है, इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है। इवन जो पास में हाउस है, ऐसा नहीं है कि सेम वॉल है, अलग अलग वॉल से दोनों की 4-4 इंच की अंदर की। और जो हाउस की फ्रंट की वॉल है वो 8 इंच की है। एंड जो एक्सटीरियर है हमारा, जहाँ पर भी है वी आर गिविंग टेक्सचर, ये छर्रा किया हुआ इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे से भी जो हमारा बाहर से पूरा कवर किया हुआ है टेक्सचर के थ्रू। दिस इज आवर डक्ट एरिया, डक्ट एरिया को भी पूरा कवर करके दिया हुआ है आयरन और शीट के थ्रू। बारिश का पानी नहीं आएगा लेकिन वेंटिलेशन पूरा आएगा। लाइट कनेक्शंस पूरे ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आप देखेंगे 1000 लीटर का वाटर टैंक है और ऊपर पूरे लाइट के कनेक्शंस आ जाते हैं। जो हमारा टीवी के कनेक्शंस हैं या फिर आप कोई सा भी लाइट कनेक्शंस लें तो एवरीथिंग, सारी चीज़ें कंसील्ड है पूरे हाउस में और ऊपर आती है। टेरेस दोनों साइड से ओपन है, बीच में लॉबी है, यू कैन यूज़ इट एज अ लॉबी, सिटिंग एरिया, मंदिर बना सकते हैं या फिर एज अ सर्वेंट क्वार्टर यू कैन यूज़ दिस। दोनों साइड विंडोज़ है प्रॉपर फॉर वेंटिलेशन एंड दीज आर 3-track windows। दिस इज़ आर फ्रंट टेरेस, दिस इज़ आर ब्यूटिफुल एरिया जो एलिवेशन को काफ़ी अच्छा लुक देता है। G+2 का एलिवेशन बाहर से दिखता है और काफ़ी अच्छा ये लाइटिंग के थ्रू हमारा जो एलिवेशन है वो ब्यूटिफुल हो जाता है। और फ्रंट में हम यहाँ पर ग्लास यूज़ कर रहे हैं जो कि एलिवेशन में बहुत ही अच्छा लुक देता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लोग भूल जाते हैं, इसको पानी कट बोलते हैं। कभी भी पानी आता है तो रिसक के अंदर नहीं जाता है,